आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड।